आईपीएल 2023 शुरू होने में अभी एक महीने से ज्यादा समय बचा है। इससे पहले ही मुंबई इंडियंस को एक बड़ा झटका लग गया है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2023 से बाहर हो गए हैं। उन्हें बैक स्ट्रेस इंजरी की शिकायत थी, इसी वजह से वह आईपीएल से अब बाहर हुए हैं। इससे मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। बुमराह बैक स्ट्रेस इंजरी की वजह से पिछले 5 महीने से टीम से बाहर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुमराह जल्द ही बैक सर्जरी करा सकते हैं। बुमराह अब तक चोट से नहीं उबर सके हैं। इस चोट की वजह से बुमराह पिछले साल एशिया कप और T20 विश्व कप नहीं खेल पाए। वहीं भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना लगभग तय है। ऐसे में बुमराह 7 जून से ओवल में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी नहीं खेल पाएंगे। बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में BCCI का मेडिकल स्टाफ बुमराह के मामले को लेकर काफी गंभीर है और उनकी हर तरह से मदद भी की जा रही है, साथ ही पूरा इलाज भी उनका चल रहा है। ऐसे में NCA स्टाफ ने ही बुमराह से उनकी पीठ के निचले हिस्से में सर्जरी कराने का सुझाव दिया है। भारत में अक्टूबर नवंबर में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए NCA और बुमराह से बातचीत के बाद BCCI जल्द ही सर्जरी और अन्य विकल्पों पर बड़ा फैसला ले सकता है। बुमराह के लिए पिछला कुछ समय निराशाजनक रहा है। पिछले अगस्त में पीठ की चोट से पीड़ित होने के बाद से बुमराह ने कई बार वापसी करने का प्रयास किया, हालांकि चोट की वजह से उन्हें एशिया कप से बाहर होना पड़ा। शुरू में चोट बहुत ज्यादा गंभीर नहीं लग रही थी, क्योंकि बुमराह को 12 सितंबर को भारत के T20 विश्व कप टीम में शामिल भी किया गया था। बुमराह के नहीं खेलने से मुंबई इंडियंस को इस सीजन फिर से नुकसान हो सकता है। इस साल आईपीएल की शुरुआत 31 मार्च से होने जा रही है। बुमराह की गैर मौजूदगी में इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर तेज गेंदबाजी आक्रमण को लीड करते नजर आएंगे। पिछले सीजन तक आर्चर अनफिट थे और बुमराह पेस बॉलिंग को लीड कर रहे थे। ऐसे में मुंबई की पेस बॉलिंग एक बार फिर से कमजोर नजर आ सकती है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा।